नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, 2 एंड 2, 3। ये पॉइंट्स दे रखे हैं एक क्वाड्रिलेटरल के। हमने सॉल्यूशन में ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, आप इसका फिगर कैसे भी बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बन सकता है, ठीक है। तो हमने इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे ए बी सी और डी, और जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये चीज समझने वाली बात है, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है जब इस तरह के पॉइंट्स गिवन हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको दो ट्रायंगल में पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता हो जाएगा, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो चलिए आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे एक डायगोनल खींच देता हूं एसी, और तो अब क्या हो गया, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बन जा रहा है और दूसरा ट्रायंगल एडीसी बन जा रहा है। एबीसी का एरिया निकाल लेंगे, एडीसी का एरिया निकाल लेंगे और दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे 1/2, और ये हो जाता है x1 और ब्रैकेट लेते हैं, और यहाँ पे हो जाता है y2 माइनस y3 और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद, और ये प्लस, और फिर इस जगह पे हो जाता है x2 और फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं y3 माइनस y1 और फिर यहाँ पे प्लस डालते हैं, और यहाँ पे x3 और यह हो जाता है y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद, और ये भी ब्रैकेट बंद। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो गया 1/2। और अब यहाँ पे देखिए ए बी सी हमने जिस सीक्वेंस में लिया उसी तरह से ये हो जाएगा x1 x2 x3, ये हो जाएगा y1 y2 y3। तो अब x1 हमारे पास -4, ये लिख लिया हमने -4, और ब्रैकेट के अंदर y2 कह रहा है, y2 हमारे पास है -5, और फिर ये माइनस, और y3 हमारे पास ये, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा यहाँ प्लस, और ये लिख लिया हमने 2, और ये x2 का वैल्यू अब लेना है, x2 हमारे पास है -3, ये हो गया -3, और अब y3 का वैल्यू लेना है हमें, y3 हमारे पास है -2 और ये वाला माइनस, और y1 हमारे पास ये -2 है, तो -, ये +2 हो जाएगा। अब लेते हैं +x3 हमारे पास है ये 3, और अब y1 हमारे पास -2 और ये माइनस और ये -5, तो -, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया 1/2 और ये हो गया -4 और ये हो जाएगा -5 और +2, तो इक्वल टू -3 × -3, ऐसे लिख लेंगे आसान रहेगा, और ये +-3 और ये हो जाएगा × 0 और प्लस ये हो जाएगा 3 × 3, क्योंकि 5 में से -2 चले जाएगा तो ये बच गया है 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये हो गया 2 और ये 4 × 3 = 12, -, प्लस हो जाएगा ये, तो 0 बन जाना है और ये हो जा रहा है 9, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे तो हो गया 1/2 और 12 और 9 ये हो जा रहा है 21, तो ये हो गया 21/2 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं या यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। एरिया ट्रायंगल एबीसी हमने निकाल लिया, अब लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए सी डी, ये हमने ले लिया ACD। तो फॉर्मूला तो वही लिखना है 1/2 और ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और फिर यहाँ पे +x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट बंद।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 x1, ये हमारे पास अब ध्यान देने वाली बात है, ये x1 x2 x3। तो x1 हमने लेना है सबसे पहले -4 और y2, अब क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये y1 ये y2, तो y2 हो गया -2 और ये -y3 ले लेंगे तो ये हो गया -3 प्लस x2 यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और ये y3 लेना है अब हमें y3, ये हो जाएगा 3 माइनस y1 -2 -, ये प्लस का 2 और प्लस x3 लेंगे, x3 हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा y1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -2 और ये -y2 का वैल्यू है यहाँ पे फिर से -2, ये हो जाएगा -, प्लस का 2 और ये ऐसे। तब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1/2 और ये अब क्या हो जाएगा 3 और 2 -5, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 20 -, प्लस फिर इसी तरह से 3 और 2 5 5 3, ये हो गया 15 और ये हो जा रहा है 0। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और ये हो जा रहा है 35, तो इक्वल टू हो गया 35/2 यूनिट स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, इसको प्लस कर देना ये वाला और ये वाला, तो ये हो गया 21/2 और प्लस 35/2, तो प्लस करेंगे एलसीएम हो गया ये 2 और ये हो गया 21 प्लस 35। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया 6 और 56/2, अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 2 1 2 2 2 4 2 8 16, तो क्या लिखते हैं 28 यूनिट स्क्वायर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।